तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहा है रूसी सेना का काफिला। कुछ घंटों में हो सकता है यूक्रेन के खारकीव पर रूस का कब्जा। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी। एयर स्ट्राइक के बाद यूक्रेन के खारकीव शहर में लगाया गया कर्फ्यू। कीव के लिए आज की रात भारी। रूस आज रात कीव पर कर सकता है बड़ा हमला। 2 मार्च को होगी यूक्रेन और रूस के बीच दूसरे दौर की बातचीत। रूसी मीडिया के हवाले से खबर। यूक्रेन में गोलीबारी से 21 साल के भारतीय छात्र की हुई मौत। बंकर से निकलकर मार्केट में खाने का सामान लेने गया था युवक। बेलारूस पर मिसाइल दाग सकता है यूक्रेन। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर। यूक्रेन रूस युद्ध ने बढ़ाई महंगाई। भारत में 105 रुपए महंगा हुआ गैस सिलेंडर। रूस ने कीव में टीवी टावर पर किया एयर स्ट्राइक। हमले के बाद यूक्रेन के टीवी चैनलों का प्रसारण हुआ बंद। कीव में अब एक भी भारतीय नहीं। अब तक 12,000 भारतीयों का किया गया रेस्क्यू। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। पहले रूस युद्ध रोको फिर होगी बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान।